महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी के कहने से पांचों पांडव अपने भातृहत्या से मुक्त होने के लिए केदार घाटी में आके देवादिदेव महादेव के दर्शन किए। महादेव के दर्शन पूजन करके अपने भातृहत्या से मुक्त हुए और इस पृथ्वी लोगों को अपने पापों से मुक्त दिलाने के लिए पंचों पांडव द्वापर युग में इस खूबसूरत से मंदिर का निर्माण किए। द्वापर युग से लेके देश विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने सातों जन्म की पापों से मुक्त होने के लिए देवपुरी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पैदल यात्रा करके महादेव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। तो गाइस ये सब बातें थी केदारनाथ मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी केदारनाथ मंदिर तक आप लोगों को पहुंचना कैसे है। तो सबसे पहले आप लोगों को पहुंचना है हरिद्वार। हरिद्वार से आप लोगों को बस मिल जाएगा। तो हम जा रहे थे 10 दिन के टूर पे, जैसे कि आप लोगों को मैं पहले व्लॉग में बता चुकी हूँ। मेरे गंगोत्री यमुनोत्री की वीडियो आ चुकी है मेरे चैनल पर, आप लोग एक बार चेक जाके कर लेना। तो सबसे पहले हम पहुँचे थे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से हम छोटा जिप्सी लिए वहाँ से हम पहुँचे गौरीकुंड। गौरीकुंड से हम 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जा रहे हैं केदारनाथ धाम। इसमें सांस फूलने लग गई, मेरा पता नहीं पहुँच पाऊँगी या रास्ते में। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बाबा की भरोसे चलो। हर हर महादेव। अभी से हालत खराब है, अभी कार करवा दो। तो दोस्तों खाली मैं 4 किलोमीटर ही चली हूँ और मेरा हालत आप लोग देख ही सकते हो क्या हो चुका है, और मुझे नहीं पता आगे जाके मेरा हालत क्या होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो आप लोग देखते रहो, आप लोगों को पता चल जाएगा मेरी क्या हालत होने वाली है। 16 किलोमीटर गाइज, ये खाली कहने की बात होती है कि 16 किलोमीटर, 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। जो पहले का रास्ता था ना 2013 के आफ्ता आने से पहले का जो टूट चुका रास्ता वो था 16 किलोमीटर का, ये है 22 किलोमीटर। मेरा तो बहुत गंदा हालत हो गया, मतलब क्या ही बताओ आप लोगों को। लो भाई अभी तो खाली 4 किलोमीटर ही कंप्लीट हुई है और 12 किलोमीटर है, आप लोग देख लो भाई। मेरे को ना ये देख देख के बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब क्या ही बताओ आप लोगों को। पर जब मैं वहाँ गई, वहाँ जब मंदिर के दर्शन हुई ना आप लोगों को, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतनी खुशी महसूस हो रही थी, इतनी खुशी। हमारे साथ एक बच्ची गई थी, छोटी सी 12 साल की बच्ची, वो भगवान की मंदिर देख के, हमारे भगवान महादेव को देख के रो पड़ी थी, फूट फूट के रो रही थी वो लड़की। और आप लोग मेरा हालत देख सकते हो, मैं बस यही कर रही थी, थोड़ा सा बैठ रही थी, कुछ खा रही थी, फिर चल रही थी। मेरे को वैसे भी सांस की प्रॉब्लम है, वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम हुई। तो आप लोग अगर जा रहे हो तो कपूर साथ में ज़रूर लेके जाना। और ये रही शॉर्टकट, शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना आप लोग, शॉर्टकट बिल्कुल भी मत लेना। हमारे सामने एक भैया गिर के उनका पैर टूट गया, मतलब बेचारा शॉर्टकट के चक्कर में सोचा जल्दी जल्दी उतरेंगे। चढ़ने के टाइम में आप लोग शॉर्टकट ले लो, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों में अगर एनर्जी है तो, पर उतरने के टाइम में शॉर्टकट बिल्कुल भी मत लेना, रास्ता बहुत गीला था सच्ची में। गाइस मैं बंगाली हूँ और मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर है, तो ये थी और था में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना प्लीज़। और देखो ये दोनों बच्चों को कितना आराम से जा रहे थे। बच्चों के लिए पिट्टू करो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों को मैं एक ही सलाह देना चाहती हूँ, अगर आप लोग नहीं जा पाते हो तो भगवान को अपने घर से बुलाओ, मन से बुलाओ, भगवान आपके घर आ जाएंगे। पर ऐसे लोगों को परेशान मत करो, मतलब वो लोग तो अपने पैसों के लिए कर रहे हैं वो ठीक है, पर आप लोग भी जानबूझ के इतना कष्ट मत दो। वो तो जाएंगे स्वर्ग पे पर आप जाओगे नरक में, ये गलत है, ऐसे मत जाया करो। अगर नहीं जा सकते तो फिर घर से भगवान को बुलाओ। लो भाई मैं पहुंच गई रामबारा। जब रास्ते में मैं आ रही थी ना, सब जने यही बोल रहे थे रामबारा पहुंचोगे तो उससे बस आधा रास्ता और जाना है आपको। पर यहाँ पे आने की बात पता चला मुझे, यहाँ से आगे जाने की बात पता चला मुझे कि नहीं भाई ट्रिपल रास्ता है बहुत। अब यहाँ की वादियाँ देख लो, यहाँ की खूबसूरती देख लो, मन मोहित हो गया कि खूबसूरती देख। 10 किलोमीटर कम्प्लीट है, देखो बर्फ है, बर्फ जमा हुआ है, बस आगे उतना ही रास्ता और थोड़ा सा। कितना शुरू हो गया, आप देखो बर्फ है, आप लोगों को लग रहा है ये चूना है पर चूना नहीं है, ये बर्फ है।
मुझे पहले यही लगा हाथ पूरा सुन हो गया मेरा। देख लिया मेरा जादू वाला लुक, अब देखो मेरी हालत। मैं शॉर्टकट ली थी इसीलिए मेरा ये हालत है। आप लोगों को यही बोलूंगी, शॉर्टकट मत लेना बिल्कुल भी, बहुत रिस्क है शॉर्टकट में। लोग गाइस हम पहुंच गए गेट तक, यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर और चलना है और यहाँ से आगे घोड़ा नहीं जाता, घोड़ा यहीं पे रुक जाता है। आप लोग अगर घोड़े से जाओगे यहाँ पे तो घोड़ा आपको यहीं पे रुका देंगे। यहाँ से आप लोगों को अंदर 1-2 किलोमीटर तक आप लोगों को पैदल जाना ही जाना है। और आप लोग मेरे शक्ल देख लो, शक्ल की मेरे 12 बज चुकी है पूरी। यहाँ जाने के हमारा औकात नहीं है, औकात से बाहर है। आप लोग सपोर्ट करो ताकि औकात हो हमारा भी, हम भी आए इससे, ठीक है। हेलीकॉप्टर इधर करो, आप लोग इतना सपोर्ट करो ताकि साल हम आए हेलीकॉप्टर। आप लोग बढ़िया कैमरा लेके आए, आप लोग अच्छी क्वालिटी की वीडियो दे पाए। सो गाइस दिल थाम लो, मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ अभी दर्शन केदारनाथ धाम के। आई होप आप लोग बहुत देर से वीडियो देख रहे हो केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। और ये रहा आप लोगों के सामने बाबा केदारनाथ के धाम, कितना अच्छा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और इस साइड में मैं तिलक करवा रही थी एक बाबा जी से, आप लोग देख लो। अब आप लोगों के सामने पेश करती हूँ एक सिनेमैटिक शॉट। निकली हूँ दर्शन करके बाबा के, और आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ। अंदर के दर्शन तो करवा नहीं सकती इसलिए बाहर के मंदिर के दर्शन करवा देती हूँ। एक बार प्रेम से हर हर महादेव बोल देना। ये है भीमशिला, चलो करवाती हूँ दर्शन। कर लिया, कमेंट में हर हर महादेव बोल के जरूर जाना, लिख के जरूर जाना। सॉरी तो गाइस ये है मंदिर की पीछे का व्यू, ऐसा नहीं लग रहा जैसे महादेव स्वयं यहाँ पे विराजमान है। और हाँ, आप लोग अगर मंदिर जा रहे हो तो पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि है, जो आप लोग दर्शन कर लेना। मैंने भी वहाँ के दर्शन कर ली, उसके बाद मैं गई थी घर बनाने। पीछे सब पत्थर से घर बना रहे थे तो मैंने भी वहाँ के घर बना ली जाके, और आप लोग भी एक बार देख लो मैं कैसे घर बना रही थी। तो गाइस मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।